तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो ड्रीम इलेवन त्रिनिदाद T10 ब्लास्ट लीग स्टार्ट हो रही है, इसका भाई आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का भी ये पहला ही मैच है जो कि खेला जाएगा यहाँ पर लीथरबैक जायंट्स वर्सेज ब्लू डेविल्स के बीच में। तो दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैच की डेट एंड टाइमिंग की बात करें तो भाई आज मैच खेला जाएगा रात को 8 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। अब भाई इस मैच की आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेते हो तो इजीली भाई आप काफी अच्छी विनिंग यहां से करके जाने वाले हो। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के बारे में और स्टैट्स के बारे में, सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो मैच की डेट एंड टाइमिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको स्मॉल लीग के साथ साथ जीएल की भी स्पेशल टिप्स पता लगती है और भाई काफी अच्छी आप लोगों की लगातार यहां पर विनिंग हो रही है। तो टेलीग्राम चैनल भाई जरूर से जरूर ज्वाइन आपको कर लेना है। अब यहां पर अगर बात करें वेन्यू की तो भाई आप देख सकते हो ब्रायन लारा स्टेडियम त्रिनिदाद में मैच होने वाला है और भाई ब्रायन लारा स्टेडियम में अभी तक कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है, ठीक है। और ये वेस्ट इंडीज की भाई T10 की लीग है तो यहां पर भाई वेस्ट इंडीज के जो डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर्स हैं वो काफी सारे दिखेंगे आपको, साथ ही कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी दिखेंगे। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लीग और काफ़ी मतलब यहाँ पर मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। लेकिन उससे पहले भाई अगेन आपको याद दिला दूं कि टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, बहुत कुछ आप मिस कर रहे हो टेलीग्राम चैनल के बिना। और भाई इस मैच की भी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही आफ्टर टॉस पता चल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए भाई अब यहाँ पर बात करते हैं जो पिच है। पिच भाई यहाँ पर बैलेंस्ड विकेट है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्प होने वाली है, लेकिन थोड़ी सी मतलब हल्की सी स्लो विकेट आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल स्लो मिलेगी, बट थोड़ी सी स्लो यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। एवरेज स्कोर भाई यहां पर 90 से 120 के बीच में मैंने रखा है। क्यों रखा है भाई यहां पर देखो, वैसे अगर और कोई टीम होती तो भाई 80 से 100 के बीच में होता, लेकिन भाई वेस्ट इंडीज की टीम है तो भाई थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेके चलना पड़ता है इनके भाई। लास्ट में 9 विकेट होने के बाद बॉलर भी आके 30-40 रन मार के जा सकता है। वेन्यू के रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते जो T20 के डोमेस्टिक मैचेस यहां पर खेले गए उसमें भाई 30 मैच टोटल खेले गए, 13 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते और 17 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते। तो यहां पर स्लाइटली एडवांटेज भाई सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को, वैसे ज्यादा नहीं है बट फिर भी यहां पर चेजिंग करना थोड़ा सा ईजी दिख रहा है। वही अगर बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो आपके सामने भाई यहां पर 16 मैच मतलब 150 से नीचे का स्कोर बना है भाई 16 बार, अगर बात करें तो 150 से 170 के बीच में स्कोर बना है 8 बार, और अगर बात करें 170 से 190 के बीच में तो भाई 6 बार इतना स्कोर बना है, और यहां पर 190 प्लस का स्कोर एक बार भी नहीं बन पाया है, ठीक है। तो अब चलिए भाई यहां पर बात कर लेते हैं जो लीदर क्या नाम भाई लेदरबैक जायंट्स की टीम है, इनकी भाई जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहेगी प्लस प्लेयर्स के स्टेट्स। तो भाई इनके कैप्टन है निकोलस पूरन, निकोलस पूरन के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत आपको होनी नहीं चाहिए। यहां पर आप देख सकते हो 62 मैचेस में 17-84 रन इन्होंने बनाई है भाई, इनका T20 का रिकॉर्ड है, ठीक है। वही अगर बात करें अमीर जांगू की तो आप देख सकते हो 23 मैच में 1100 रन है और विकेट इन्होंने भी नहीं निकाले, यानी कि मतलब ये आपको बताया बॉलिंग नहीं करवाते तो भाई विकेट कहां से निकालेंगे, ठीक है। इराक थॉमस की बात करें तो एक मैच खेला 2 रन बनाया। कामिल पूरन की बात करें तो भाई ऊपर जो निकोलस पूरन है ना ये भाई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और यहां पर कामिल पूरन आपके लिए राइट हैंडेड बैट्समैन मिलेंगे, मतलब पूरन की टीम का ही दूसरा पूरन है ये, ठीक है। 4 मैच में भाई 74 रन बना चुका है, ठीक ठाक प्लेयर रहेगा मेरे हिसाब से, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। वही अगर बात करें शत्रुघ्न रामबरन की तो 2 मैच में 64 रन इन्होंने बना रखे है। टेरेंस हिंड्स की बात करें तो भाई 8 मैच में 316 रन और भाई यहां पर 8 विकेट, एक बहुत ही गजब का प्लेयर आपके लिए होने वाला है, जीएल मिनी जीएल में कैप्टन ट्राई कर लेना। क्रिस्टोफर विंसेंट की बात करें तो इनके स्टैट्स भाई मेरे को मिले नहीं। विशां बात करें अगर विशांत जगसर की तो 4 मैच में 4 विकेट इन्होंने निकाल रखे। सियोन एकेट की बात करें तो भाई एक मैच में विकेट लेस ये गए। स्टेफन सोलोमोन के भी रिकॉर्ड भाई मुझे नहीं मिले। भाई अगर बात करें रेयान बंदो की तो भाई आप देख सकते हैं 4 मैच में 13 रन इन्होंने बनाए, विकेट लेस ये गए हैं। वही अगर बात करें यहाँ पर ब्लू डेविल्स की टीम की तो ब्लू डेविल्स की टीम के भी स्टेट्स में आपके लिए निकाल कर ले आया हूँ। यहाँ पर अगर बात करें तो जो स्टीवन कटवारू है वो भाई आप देख सकते हो 18 मैच में 112 रन बना चुके हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। वही अगर बात करें यहाँ पर जो टीम का सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज हमारे लिए होने वाला है, 143 मैच में 3579 रन यानी कि ऑलमोस्ट 3600 रन बना चुका है लैंडन सिमंस, आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन पिक यहाँ से होने वाला है। आप इसे जरूर से जरूर अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो और CVC भी बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग करेगा और आपको पता लैंडन सिमंस एक बार मारने लगता है तो कितना भयंकर तरीके से मतलब
रन बनाता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें अंशिल बागन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 मैच में 7 विकेट ये भी निकाल चुका है। रैड एमरिट की बात करें तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ये आपको दिख जाएगा, यहाँ से 84 मैच में 2100 से ज्यादा रन और भाई यहाँ पर 175 विकेट भी निकाल रखे। वहीं अगर बात करें खैरे पेरा की, तो आप देख सकते हैं भाई 17 मैच में 37 विकेट और भाई यहाँ पर 556 रन भी बना रखे। जेड गुली की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 मैच में 200+ रन है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा इक्वे क्रेक की बात करें तो 3 मैच खेले यहाँ पर भाई 61 रन और 1 विकेट भी निकाला हुआ है। इसके अलावा अगर नीचे अगर हम चलेंगे तो केरविन सिरजो आपको दिखेंगे, जिनके स्टेट्स भाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर जो शारोन लेविस है, 4 मैच में 5 विकेट ये भी निकाल चुके हैं। ये मतलब यहाँ पर भाई देखो शारोन लेविस है ना, ये भाई कंप्लीट 4 ओवर अपने डालते नजर आएंगे, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। वहीं अगर बात करें ईसीआर राजा की, तो आप देख सकते हो 14 मैच में 590 रन इन्होंने बना रखे हैं। अब ऐसे दोनों टीम से अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में चूज करूँ तो यहाँ पर आपको दिखेंगे, देखो जो ऊपर से निकोलस पूरन, भाई ऊपर ही चला गया क्या, जो ऊपर से निकोलस पूरन है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। अमीर जांगो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही अगर बात करें तो कामिल पूरन को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना। इसके अलावा ये बात करें ऐसे जो टेरेंस हिंट से, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। विशांत जगसर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। तो ये 5 या 6 प्लेयर है भाई, यहाँ से एक बार मैं फिर से मार्क कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा पता लग जाए। तो यहाँ से देखो निकोलस पूरन, अमीर जांगू और यहाँ से भाई जो कापेगा टेरेस हिंस और यहाँ पर विशाल जगह सर, ये 4 प्लेयर तो आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। इसके अलावा भाई कामिल पूरन को और यहाँ पर भाई शत्रुघ्न रामबरन, इन दोनों को भी आप ट्राई कर सकते हो। अब चलिए भाई यहाँ से बात करते हुए जो ब्लू डेविल्स की टीम है, यहाँ से आपके लिए कौन से प्लेयर ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो लैंडन सिमंस हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। अंशिल बागान को हम ट्राई करेंगे, रियाड एमरिट को हम ट्राई करेंगे, खैरे पेरे को हम ट्राई करेंगे, जेड गुली को हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे भाई आपको 1 2 3 4 5 प्लेयर यहाँ से दिख गए। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, नीचे भाई आप जो शारून लेविस इनको ट्राई कर सकते हो और ईसीआर राजा को आप ट्राई कर सकते हो। ऐसे 7 प्लेयर मैंने यहाँ से बताए, 4 प्लेयर मैंने बताया आपको ऊपर जो लीडरबैक की टीम है उनसे। तो दोनों टीम्स के मैंने इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको बता दिया। अब चलिए भाई डेमो टीम की बात यहाँ पर कर लेते हैं। फाइनल टीम आपको भाई टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर 75 लाख रुपए की जीएल भी लगी हुई है, तो जीएल की मैं शायद टीम प्रोवाइड करवा दूँ, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से भाई देखो निकोलस पूरन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आमिर जंगू भी बेहतरीन प्लेयर रहेंगे, अगर भाई खेलता है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से आपके लिए होने वाला है, ठीक है। वही अगर बात करें लैंडन सिमंस की, यहाँ से भाई अभी ड्रॉप करके चलूंगा, लैंडन सिमंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भाई यहाँ से बात करें तो इराक थॉमस आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर रहेंगे, ज्यादा अच्छे नहीं ज्यादा बुरे भी नहीं। वहीं अगर बात करें क्रिस्टन थर्टन की, तो इनके स्टेट्स हमारे पास थे नहीं। वहीं अगर बात करें नीचे चल के, तो यहाँ पर भाई आपको दिखेंगे जो कामिल पूरन है, एक बेहतरीन प्लेयर आपके लिए ऐसे होने वाले, मेरे हिसाब से जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा एस रामबरन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, तो इनको भी आप अपनी टीम में लेके चल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, लेकिन उससे पहले भाई यहाँ से जो ईसीआर विलियम्स है, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, ठीक है। यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो खैरे पेरे, रियाड एमरिट दोनों आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। टेरेंस हिंस को हम ट्राई करेंगे अपनी टीम में। इसके अलावा भाई यहाँ पर वी जगासर को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। भाई अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर भाई देखो जो आई क्रेग है, ये आपके लिए इक्वे क्रेग आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर का रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। भाई अगर बात करें इक्वे क्रेग के अलावा, यहाँ से आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई शारोन लेविस इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ से भाई अगर बात करें तो एक मिनट भाई, यहाँ से केरविन सिरजू को भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, बट मेरे हिसाब से आपके लिए भाई यहाँ से जो सियोन एकेट है, ये आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर रहेंगे। सियोन एकेट और यहाँ पर भाई एन सियोपोल, इनमें से आप किसी को ट्राई कर सकते हो। बाकी फाइनल टीम भाई आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। कैप्टन भाई मैं निकोलस पूरन को दे रहा हूँ, वीसी में दे रहा हूँ लैंडन सिमंस को। तो भाई देखो वैसे कन्फर्म मैं नहीं हूँ कि ये दोनों आपको खेलते ही दिखेंगे, अगर खेलते दिखेंगे तो भाई इनको रखेंगे, अदरवाइज भाई फाइनल सी वीसी में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अभी के लिए भाई आप इस टीम को सेव करके अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे फाइनल टीम के साथ टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।